हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारे प्लेयर के अंदर एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार ऐड करेंगे, एज वेल एज हम हमारे प्लेयर के अंदर डबल क्लिक लिसनर के लिए एक डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे, जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे। सो फॉर नाउ मैं ये क्लॉज प्ले करो ना आपको उस फीचर के बारे में बताता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कोई प्रोग्रेस बार शो नहीं होता, बट सिंस ये बहुत जल्दी लोड हो गया, यहाँ पे प्रोग्रेस बार की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक दूसरी फाइल प्ले करूँगा, दिस ब्लैक विडो वन, जो एक MKV फाइल है। एंड अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, सो आप देखोगे इसे लोड होने में बहुत टाइम लगता है, ट्रूली बहुत टाइम लगता है, और यहाँ पे कोई प्रोग्रेस बार शो नहीं हो रहा। सो नॉर्मल यूज़र को लगेगा हमारा प्लेयर ख़राब हो चुका है। ओके, यहाँ पे कुछ तो शो होना चाहिए। ओके, सो उस प्रोग्रेस बार को हम लोग इस वीडियो के अंदर ऐड करने वाले हैं। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले वो सर्कुलर प्रोग्रेस बार के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी हमारा प्लेयर व्यू है, इन दिस केस ही हमारा प्लेयर व्यू है। सो इसके अंदर आपको सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, जो है शो बफरिंग, एंड इसे ऑलवेज कर दो। एंड विद दिस एक्सो प्लेयर हमारे लिए ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा सर्कुलर प्रोग्रेस बार को। यप, दैट्स इट, आपको कोई ग्रेट लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, वो है कि मैं हमारे लिए डबल टैप के लिए जो लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट करने वाला हूँ, जिसे हम लोग उसे इम्प्रूव करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो फॉर नाउ, सो ये लाइब्रेरी मैंने जस्ट यहाँ पे गिटहब पे अवेलेबल है, सो यू कैन सर्च डबल टैप प्लेयर व्यू गिटहब एंड ये वाली VKAY एंड जस्ट ओपन। एंड एज यू कैन सी यहाँ लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है, एंड आप इसके बारे में यहाँ पे रीड कर सकते हो, हाउ टू यूज इट एंड एक्सेट्रा, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इस लाइब्रेरी को हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में इम्पोर्ट कर लेना। ओके, सो नाउ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये एक लाइन ऐड करनी है अपने डिपेंडेंसीज में। बट उससे पहले एक मस्ट रिक्वायरमेंट है, आपके जो मेन प्रोजेक्ट लेवल वाली ग्रेडल फाइल है उसके अंदर ये मेवन सेंट्रल इम्पोर्टेड होनी चाहिए। ओके, सो नाउ एज हम हमारे प्रोजेक्ट में चेक करते हैं क्या इम्पोर्टेड है या नहीं। सो सिंपली प्रोजेक्ट्स में आ सकते हो आप, एंड build.gradle में आ सकते हो। मैं इन दोनों को ओपन कर देता हूँ क्योंकि दोनों के साथ हमारा वर्क है, एंड मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सो फर्स्ट लेट्स से दिस वन। ओके, सो इस वाले के अंदर, दिस वीडियो प्लेयर प्रोजेक्ट लेवल के अंदर हमें ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी, मेवल URL एंड दिस जिटपैक IO। ओके, एंड अगर आप लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो, आप देखोगे आपके यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सो फॉर दोज वो आर यूजिंग लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, सो मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में आ जाता हूँ, ये मेरा लेटेस्ट क्रिएटेड है। ओके, इसके अंदर अगर आप build.gradle देखोगे, सो इन दैट बिल्ड ऑफ ग्रेडल, दिस वन वीडियो प्लेयर वाली, यहाँ पे ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो इस लाइन को ऐड किया जाए तो कहाँ किया जाए। सो फॉर दोज हु आर यूजिंग लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर सिंपली यहाँ पे आप मेवन सेंट्रल को ऐड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखी है, दिस डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन मैनेजमेंट। ओके, सिर्फ आपको ये लाइन ऐड करनी है, एंड विद दिस आपके लिए ये जिटपैक IO इम्पोर्ट कर लेगा, आपको और कोई ग्रेट रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ओके, सो विद दिस, ओके, एंड नाउ हमारे अंदर इस प्रोजेक्ट में वो इम्पोर्ट करते हैं। सो फॉर नाउ जस्ट मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ यहाँ से, ये एक लाइन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, दिस डिपेंडेंसी Ctrl+C, एंड मैं अपने प्रोजेक्ट में इसे इम्पोर्ट करने वाला हूँ। सो आई थिंक दिस वन, एंड जस्ट बिल्ड ग्रेडल ऐप, एंड इसके अंदर जस्ट मूव बिलो, एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ Ctrl+V। सो फॉर डबल टैप फीचर, ओके, एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सो मिस टी को भी कैपिटल कर देता हूँ जस्ट। ओके, सो विद दिस यहाँ पे आप सिंक नाउ पे क्लिक कर सकते हो, एंड लेट्स चेक कोई एरर्स आते हैं या नहीं। सो यहाँ पे सिंक नाउ कंप्लीट हो चुका है, एक्चुअली मुझे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा। सो अभी एक बार एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं क्या वो रन हो रही है। सो फाइनली ऐप इज़ इंस्टॉल्ड, एंड इसका मतलब है हमारी डिपेंडेंसी परफेक्टली इम्पोर्ट हो चुकी है, कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे। एंड मैं थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ क्योंकि मुझे वही वीडियो प्ले करना है, ब्लैक वीडियो, क्योंकि उसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। सो जस्ट मूव बिलो एंड क्लिक ऑन दिस ब्लैक वीडियो, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार शो हो रहा है, जो ये बताता है कि वीडियो लोड हो रहा है, विच मीन्स यूज़र को पता चलता है कि कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में। ओके, सो विद दिस में अगर वीडियो को आगे भी करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए एक बफरिंग शो होती है, एंड आई थिंक ये एक अच्छी हैबिट है, या एक बफरिंग शो होना अच्छी बात है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।